हेलो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे सेरियम सेरियम जो भी है, मेरे भाई बहनों जो है, उससे छोटे बड़े सभी को इस तरफ से मेरी ओर से जो है मेरे क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ सभी लोगों को। तो देखिए, बीच में दो दिन मैंने जो है बना नहीं पाया किसी कारणवश, तो मैंने 5 सेट उधर प्रैक्टिस सेट कराया था 8-10 क्वेश्चनों का। अब जो है आपको 10 से क्वेश्चन इधर पूरे मिलेंगे, लगभग परफेक्ट जो मेंटेन 10 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जाने जो कड़े कड़े सवाल रहेंगे, बाकी आसान से सभी लोगों का हो जाता है 10 से 12 क्वेश्चन, लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन। हमारे चैनल में का नाम आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, जिसको नहीं मालूम पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल का नाम स्टडी बाय उमा सर। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। तो आइए जो है टाइम ना लेते हुए, पुलिस UPSI के लिए स्पेशल क्लास है मैथ का, काफ़ी बेस्ट पॉइंट है। देखिए पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा है कि के किस मान के लिए समीकरण प्रणाली KX-Y=2 और 6X-2Y=3 एक आद्वितीय समाधान है। अब देखिए क्वेश्चन जो है क्लास हाई स्कूल में, इसमें समाधान है आद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू, 3 कंडीशन होते हैं, तो आप सभी लोग उसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक। इस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा जेल ऑर्डर। तो देखिए यहाँ आद्वितीय हल के लिए सबसे पहले क्या कराएंगे हम, इसको समीकरण बना देंगे। पहला जो दिया है KX-Y=2, इसको ले देंगे समीकरण नंबर 1, और दूसरा जो हमारा दिया है 6X-2Y=3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसका तुलना आप कराएंगे, देखिए यहाँ से सूत्र होता है E1X-B1Y-C, इसी से तुलना कराएंगे, ठीक, पहले का और दूसरा A2X-B2Y-C इसी से तुलना कराएंगे। तो यहाँ से देखिए A1 का मान हो जाएगा K, A1 ऐसे किनारे से लेंगे A1 B1 C1, B1 बराबर आ जाएगा -1 और C1 का मान हो जाएगा 2। इसी तरह नीचे वाले को तुलना कराएंगे A2 बराबर आ जाएगा 6 B1 C1, B2 बराबर हो जाएगा हमारा -2, C2 बराबर हो जाएगा कितना 3। अब यहाँ सवाल में देखिए कहा क्या है, एक आद्वितीय समाधान है, तो आद्वितीय समाधान के लिए हमारा जो होता है A1/A2 ≠ B1/B2, इसी को हमको इसी पे रखना, ठीक, ये सूत्र होता है A1/A2 ≠ B1/B2। अब इसी पे लाके हम मान को रख देंगे, देखिए A1 का मान कितना दिया है K, तो यहाँ से बता दे रहा है थोड़ा जगह आपकी पॉइंटेड कम है, तो A1 का मान ऊपर देखेंगे कितना दिया है K, A1 का मान हो जाएगा K/ A2 का मान कितना है 6, बीच में नॉट इक्वल हम लगा देंगे B1 का मान दिया है -1 और B2 का मान कितना है -2, तो दोनों ऊपर से माइनस को कैंसिल कराएंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 2K नॉट इक्वल, इसका इधर जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे 2×3 6, तो K नॉट इक्वल कितना जाएगा 3, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी वाला, देखिए यहाँ पर है K या वाला K नॉट इक्वल 3, तो इसमें 3 कंडीशन होता है, या आद्वितीय समाधान कहेगा तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। मैं कई बार हाई स्कूल वाले या 60 वीडियो मैंने डाला बना के आप लोग जाके देख लीजिएगा, 3 कंडीशन A1/A2 ≠ B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, और जब तीनों रेखाएं समांतर होते हैं तो A1/A2 ≠ B1/B2 ≠ C1/C2 के होता है, ठीक है। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कई क्वेश्चन हमको हार्ड मिलेंगे, कई समय मान के लिए 4 से 5 क्वेश्चन तगड़ा रहेंगे, बाकी 12 से 13 क्वेश्चन नॉर्मल आपके, खाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया, यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के बराबर है तो वह संख्या होगा, तो देखिए मान लीजिए कि हम वह संख्या क्या मान ले रहे हैं x, अगर वो संख्या x है तो संख्या के 6/7 यानी 6 ऊपर लिखेंगे तो बटा कहेगा नीचे, और फिर गुणा लगा देंगे 6/7 की 1/3 मतलब 1/3, इसको भी गुणा कर देंगे बराबर किसके हमारा 28, इसी को सॉल्व कर लेना आगे पूरा, ठीक है। यहाँ से तराजू पर मान को काटेंगे 3×3 3×3 2×6, फिर 2 से इसको पूरा रख देंगे, हो जाएगा 2×1 2×2 2×6 8, बचेगा इधर सिर्फ हमारा यस, तो यस बराबर इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 14×7, तो यस बराबर 14×6 84, 14×7
98, तो वह जो हमारा मान आ जाएगा कितना 98। ठीक, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। वैसे क्वेश्चन वह ना कुछ सिर्फ हमको प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो है बीजगणित के क्वेश्चन से पूछ लिया है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी नॉर्मल है कभी क्वेश्चन हार्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है, जो व्यंजक का मान कितना है, यानी इसका मान पूछा। देखिए दिया है 2√3 + 5√3 − 12√3, ये चारों ऑप्शन है। तो यहाँ से देखिए दोनों के अंदर का रूट क्या है, सेम। तो 2√3 + 5√3 ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आगे मान को जोड़ेंगे नहीं कि अंदर वाले जोड़ेंगे, जो बाहर मान उसी को जोड़ेंगे। अगर अंदर जो है हमारा ब्रेकेट के मतलब रूट के अंदर अगर मान सेम है तो आगे जो मान होता है वही जुड़ जाता है। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा हमारा 7√3। और इसी को जो बगल में इसी को हम तोड़ देंगे, 12 है तो इसको देखिए हम कितना तोड़ सकते हैं रूट में, इसको ले सकते हैं 4√3 में। ठीक, इसको तोड़ देंगे 4√3 में, 4 इसका वर्गमूल होता है 2 का, बाहर निकाल देगा तो ये हो जाएगा 7√3 − 2√3। तो 7 यहाँ √3 सेम है, 7 में से 2 घटेगा 5, जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 5√3। ठीक, तो पहला आंसर हो जाएगा इसका 5√3। तो ऐसे जब भी अंदर रूट में अगर मान बड़ा दे रहा है तो आप देखेंगे उसका कि फैक्टर हो रहा है कि नहीं, उसको फैक्टर तो हमें तोड़ लेंगे, उसके बाद जो काम निकलेगा वर्गमूल रहेगा उसको बाहर निकाल देंगे, बाकी जो वर्गमूल परफेक्ट नहीं रहेगा और रूट में रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 54 किलोमीटर अधिक चाल चल सकेगा, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है, यानी दूरी हमको निकालना। तो दूरी बराबर क्या होता है, यानी चाल गुणे समय। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि यहाँ से जो है हम निकालेंगे, क्या नाम है जो है यहाँ से पूरा वो निकालेंगे पहले, यहाँ से देखिए, यानी सबसे पहले निकालेंगे समय। तो यहाँ से देखिए सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल हमेशा क्या होता है, घट जाएगा मान, सापेक्ष चाल निकाल देंगे पहले। देखिए कोई चीज एक बार कम जाने के बाद ज्यादा जाएगा तो हमेशा जान लीजिए कि माइनस करना। यहाँ देखिए थोड़ा इंग्लिश में लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, वही जो है यहाँ हिंदी में मतलब तो थोड़ा इंग्लिश मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो पहले क्या कराएंगे हम 12 से 8 को घटा देंगे। ठीक, ये हमारा जो शुरुआत का क्या है, ये वास्तविक चाल है मतलब, ठीक है, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये आखिरी में भी यूज होगा, वास्तविक चाल यही पूछा है। तो क्या कराएंगे कि 12 में से इसको हम माइनस करा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4, 12 − 8 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी हम यहाँ पर देखिए दूरी दिया ही है तो क्या निकाल लेंगे, समय निकाल देंगे। यहाँ से समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी 54/4, इसको छोटा कर देंगे तो 2 × 4 = 2 × 14 यानी आ जाएगा ये 7/2। ठीक है, यानी घंटा में 7/2 घंटा पूरा आ जाएगा मान यहाँ से, तो यहीं तक हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है, आगे की देखिए क्या कर रहा है, अब पूछा है कि इसमें क्या कि वास्तविक दूरी, तो वास्तविक दूरी देखिए 8 था और ये बढ़ा हुआ था, तो इसी से किसका आंसर कराएंगे, दूरी बराबर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ से के नीचे लिख देंगे हम, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल हमारा 8 है और गुणे समय कितना है 27/2, यहाँ से काट देंगे 2 × 4 = 8, तो 4 से इसमें गुणा करा देंगे, 4 × 7 = 28 + 8 4 × 8 = 10, 108 किलोमीटर घंटा। जी ठीक है, यानी कहाँ पर आसन है, देखिए जो डी वाला हमारा, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो थोड़ा बस मेहनत करना पड़ेगा हमको पॉइंटेड, बाकी कुछ है ना इसमें, थोड़ा प्रयास करते जाएंगे मैं, इधर जो भी मुझको हो रहा है सभी लोगों को थोड़ा बहुत जरूर उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके लिए मेन मेन क्वेश्चन जान ले, जो प्रीवियस ईयर का वही वही क्वेश्चन बता रहे हैं सभी लोगों को। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताते हैं, तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा इंक बहुत ठीका चल रहा है, इसलिए दो क्वेश्चन बता के आप सभी को रोक देते हैं और कल बताएंगे, क्योंकि इंक थोड़ा खत्म हो गया मेरे पास, है भी नहीं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है,
किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल 75% कितना है? तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो हमेशा इसके लिए देखिए तो हमारा हमेशा इसमें जान लीजिए कि प्रतिशत का कमी ही होता है, ठीक है, बढ़ेगा फिर कमी होगा, तो हमेशा याद करिए कि इसमें परसेंट का कमी होगा, तो प्रतिशत कमी यहाँ से डायरेक्ट जो वृद्धि या कमी यहाँ से लिख दीजिए, तो फार्मूला देखिए बता रहा है वृद्धि या कमी, जो इसके लिए फार्मूला लगता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे वाई अपॉन 100, ठीक, इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे वाई अपॉन 100 यानी 100। तो देखिए जब वस्तुएं बढ़ेगी फिर घटेगी, तो जो इसके लिए हम लेंगे तो एक्स माइनस वाई माइनस एक्स गुणे वाई अपॉन 100 यही लेंगे माइनस में, तो यहाँ पर लाके मान को सूत्र करेंगे, पहले 50 फिर माइनस 44 माइनस गुणे 44 बटे 100, यहाँ से देखिए 50 एक 50 50 गुना 100, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 गुना 4 यानी 22 आ जाएगा, तो इधर क्या कराएंगे देखिए 50 माइनस 44 माइनस 22 एक ये हो जाएगा हमारा माइनस 66, तो इससे घट के आ जाएगा कितना माइनस 16%, अगर मान माइनस में आ रहा है तो हमेशा कमी होगा, अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि में, माइनस 16% क्या होगा कमी, क्योंकि जो हमारा वैल्यू आया है इसमें माइनस में, तो ये फार्मूला याद किया रहेगा हर ये शिफ्ट में जितने आज पुलिस का पेपर हुआ मैथ में हमेशा ये क्वेश्चन आया था। आखिरी देखिए क्वेश्चन जो है काफी जबरदस्त क्वेश्चन है CISI में, तो देखिए दिया क्वेश्चन, अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया है, साधारण ब्याज देता है, 2 साल के अंत में निवेश का मूल रुपये 240 था, 3 साल तक उसने और इंतजार किया और अंत में रुपये 420 प्राप्त किया, उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई मूल राशि कितनी है, ठीक, यानी शुरुआत का जो है राशि पूछ रहा है, यानी पी का मान वही वैल्यू, तो देखिए आपको नंबर सिस्टम पे डायरेक्ट इसको कितना आसान तरीकों से समझाते हैं, देखिए जो दिया हमारा पहला कितना है ये 2 साल, ठीक, 2 वर्ष का हमारा जो रुपया यानी निवेश का मूल है कितना दिया है 240, ठीक, इसके बाद कितना दिया है फिर 3 साल, 3 साल के लिए जो हमारा दिया है थोड़ा सिस्टम में ऊपर ही समझा दे रहे हैं, ये 2 वर्ष का पॉइंट है, ये कितना दिया है 3 वर्ष का, तो 2 वर्ष के लिए 240 और 3 वर्ष के कितना रुपया दे रहा है हमारा 420, ठीक, तो यानी प्रारंभिक पूछ रहा है यानी 2 वर्ष का वैल्यू पूछ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी देगा तो हमारा टाइम को डिफरेंट कराएंगे, ठीक, यानी इस मान का पहले अंतर कराएंगे और यहाँ से इस वैल्यू का अंतर कराएंगे, तो 420 में से 240 क्या कराएंगे घटा देंगे, यहाँ से देखिए तो कितना जाएगा 420 में से 240 घटा देंगे, ये हो जाएगा 0, 12 में से 4 घटेगा 8 और 4 में से 2 घटेगा यानी 3 में से 2 घटेगा 1, ठीक, तो जो हमारा बीच का वैल्यू आ जाएगा कितना यानी 160, तो ये जो भी डिफरेंस आएगा हमेशा इस वाले पॉइंट का मान होगा 3 का, तो ये जो 260 है किसका मान है ये 3 वर्ष का मान, तो ये कितना है 180 है, तो डिफरेंस इन दोनों मान का डिफरेंस करेंगे तो 180, ये कितना है लास्ट ईयर का टोटल जो हमारा एएसआई निकला हुआ है बीच वाले मान को बोलते हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो ये 3 वर्ष का टोटल वैल्यू दिया है कितना 180, यानी ये किसका कितना गुना है यानी 60 गुना है, तो 3 से जब इसमें भाग देंगे 3 6 18 और ये 0 यानी कितना गुना हो गया 60, तो शुरुआत का पूछा यानी प्रारंभिक, तो 2 वर्ष का पूछा है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 60 कर देंगे, तो मात्र 10 से 20 सेकंड का, तो 60 × 120 यानी जो रुपए इसको टोटल मिले थे कितने मिले थे 120, तो सही हो जाएगा पहला क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट करेक्ट आंसर, तो बेस्ट पॉइंटेड था ये देखिए बेहतरीन ट्रिक्स, तो बस थोड़ा क्वेश्चन आ जाए तक रोकते हैं, कल इसके आगे बताएंगे, थोड़ा इसमें इंक नहीं रह गया इसीलिए कोई सवाल का आपको दिखेगा आप सभी लोगों को दिखेगा नहीं, जो दिखेगा नहीं तो जान भी नहीं पाएंगे सवाल का क्या चीज़ हम बता रहे हैं,
तो ठीक है आप सभी लोग फिर से रिक्वेस्ट है भाई, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए और बेहतरीन पॉइंट दे रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने जितने भी लोग हैं सहपाठी सबके पास जो है मेरा लिंक भेजिए और उन्हें आगे जो है पढ़ाइए।